आप अलाउ कीजिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल कीजिए अलाउ ला कर रहे मिनट रिकॉर्डिंग इंफ्रा क्लास असलामेकुम डॉक्टर्स क्या हाल चाल है आप लोगों का ठीक ठाक है खैरियत खेर से हैं बेहतरीन है सुन के शायद थोड़ा सा अजीब लगता है कि सर ये एक साथ ही डॉक्टर्स हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं हम तो अभी एस्पायरेंट्स हैं लेकिन आ, मैंने कुछ नया सीखा है मैंने कुछ नया ये सीखा है कि बच्चे को उसका उसकी जो मंजिल है ना उस मंजिल के साथ पुकारो तो ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो जो ज्यादा एनर्जी मिलती है ना उसी एनर्जी को हमने मेंटेन करना है तो इसलिए ब्रिज बैच का हर स्टूडेंट जब मुझसे बात करेगा या जब मैं उससे बात करूंगा तो हम एक दूसरे को मतलब मैं डेफिनेटली उसे कहा करूंगा वो मुझे कहा करेगा सर ये मसला है तो मैं क्या करूंगा डॉक्टर ये कोई मसला नहीं है इसका सोल्यूशन तो ये मौजूद है स्टूडेंट्स आज इस जबरदस्त बैच के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं और जब हम लोग आ रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं तो ये सा बैच काफी इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट एज एन एस्पायरेंट और एज ए फ्यूचर डॉक्टर हम सब के लिए ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है और ये बैच क्यों आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि इस बैच में आपके बहुत 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 सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स हम लोग नियर पियर को जानते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं नियर पियर को नियर पीयर ने हमारे लिए एजुकेशन को बहुत आसान बना दिया आप लोग इस टाइम पूरे मुल्क से मुल्क के बाहर से इवन आप मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं पढ़ रहे हैं और अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूं जरा क्विकली क्विकली कमेंट बॉक्स में आए और बताएं जनाब आप इस टाइम मुझे कहां से सुन रहे हैं तो आपको खुद कमेंट्स पढ़ के होगा कि कोई बच्चा डेराबुट्टी से है कोई कोयटा से है कोई लाहौर से है कोई गुजरावाला से है मुल्तान से है फैसलाबाद से है कराची हैदराबाद सखाबशाह जितने नाम आप लेंगे हर जगह से आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि ये यानी हम यानी कि हम सब यानी कि नियर पियर आपको बेसिकली एक मौका दे रहा है कि आओ एक दूसरे से सीखो बहुत कुछ सीखो और सीख के उसको अप्लाई करो और अपनी मंजिल को बोल अब जब हम ये सारी बात कर रहे हैं और जब हम सबको देख रहे हैं सुन रहे हैं तो फिर इसमें ब्रिज बैच का क्या रोल है स्टूडेंट्स ब्रिज बैच इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस को हम देखते हैं खर्चों को हम देखते हैं कि हम पेरेंट्स हम बीइंग ए वेरी सेंसिटिव एंड बीइंग ए वेरी सेंसिबल पर्सन हम पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना चाहते लेकिन साथ के साथ हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो ऐसा क्या करें कि हम सस्ते में डॉक्टर बन जाए आसानी से डॉक्टर बन जाए ईजी रहकर डॉक्टर बन जाए कम खर्च में डॉक्टर बन जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रिज बैच ज्वाइन करें ये वो बैच है जो पुल का रोल प्ले कर रहा है आपकी करंट पोजीशन और मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान आप यहां पर मौजूद है और यहां पर आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये दरमियान में मौजूद है ब्रिज बैच जिसमें आप काम करेंगे जोर लगाएंगे मेहनत करेंगे अपने टेस्ट में अपने स्कोर को मेंटेन करेंगे तो पता चलेगा कि आप बड़ी आसानी के साथ बगैर खर्चे के बड़ी आसानी बगैर खर्चे और बड़ी सहूलत के साथ अपने मर्जी के मेडिकल कॉलेज में चले गए याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने मर्जी का मेडिकल कॉलेज में ऐसी एग्जांपल्स आपको बता सकता हूं कि लाहौर का एक स्टूडेंट है एक फीमेल स्टूडेंट है मेरी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा इस्लामाबाद में एडमिशन हो गया लेकिन मुझे होम सिकनेस हो गई और मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकी और मुझे वापस सीट छोड़ के लाहौर वापस आना पड़ गया एडमिशन हो गया था लेकिन मर्जी की का कॉलेज नहीं था आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कोयटा में रहते हैं लेकिन उनका एडमिशन किसी दूर जगह पर हो रहा है या किसी दूर दराज के इलाके में रह रहे हैं एडमिशन किसी ऐसी जगह पे हो गया जहां नहीं पहुंच सकते थे नहीं गए सीट जाया गई तो याद रखिएगा कि बहुत जरूरी है कि आपका एडमिशन आपकी मर्जी की मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में हो ताकि आप सहूलत के साथ पढ़ सकें ये होम सिकनेस जैसे इश्यूज का शिकार ना हो अब क्या जरूरी है कि आप अपनी मर्जी की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंच सके जरूरी यह है कि आप जब पढ़ रहे हो जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पर ये बर्डन ना हो कि मैंने क्या पढ़ना है अब इस बर्डन को कैसे खत्म करेंगे इस बर्डन को ऐसे खत्म करेंगे कि आपने हम पे ट्रस्ट करना है क्योंकि हम वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जब एमडी कैट की तैयारी करवाई तो जो एडमिशन हुए उनका फोर्टी परसेंट नियर पेयर का स्टूडेंट था लास्ट टाइम जब तैयारी करवाई सबने तैयारी करवाई सबने बहुत जोर लगाया हमने भी जोर लगाया हमने पूरी नियत के साथ जोर लगाया और इस बात में कामयाब हो गए कि जो एडमिशन हुए उसका फोर्टी परसेंट स्टूडेंट नियर पेयर का था अब आप भी उस फोर्टी परसेंट जिसको हम ताला इस दफा बढ़ाकर हमारा टारगेट यह है कि हमारे पास जो आए वो हमारे पास से सीधा मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे तो अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचता है अगर ऐसा है तो फिर ध्यान से बाकी बातें सुनिए आपने जब ब्रिज बैच में इनरोल किया तो हमने आपसे कहा कि जनाब इसकी कोई फीस नहीं है तो यस इसकी कोई फीस नहीं है फिर हमने ये कहा कि इसकी कोई फीस नहीं है लेकिन आपने कुछ चैरिटी करनी है जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस चैरिटी के पीछे लॉजिक क्या थी इस चैरिटी के पीछे लॉजिक ये थी कि चैरिटी कभी ज़ाया नहीं होती चैरिटी कहीं ना कहीं जब पहुंचती है तो वहां पे लोग दुआएं करते हैं और उनमें से किसी एक की दुआ भी आपके हक में कबूल हो गई ना तो सारी गेम बन गई वो जो दुआएं होती हैं ना हम मेहनत करते हैं जोर लगाते हैं स्ट्रगल करते हैं फिर हम अल्लाह ताला से उसका कर्म मांगते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते वो हमारे हक़ में दुआएं करते हैं जब वो हमारे हक में दुआएं करते हैं तो जो कमी कोताही रह जाती है वो कमी कोताही भी पूरी हो जाती है और हम बड़ी आसानी के साथ अपने मकसद में को कामयाबी के साथ हासिल कर लेते हैं अच्छा इसके बाद हम ये कहते हैं कि आपने इनरोल कर लिया आप आ गए आपने तैयारी शुरू कर दी अब आगे क्या चलेगा अब हम कैसे आपको काम आसान करवा देंगे तो हम ये कहते हैं कि हमारा पास मौजूद है आपके लिए स्कोर प्रिडिक्टर अब ये जो स्कोर प्रिडिक्टर हमारे पास मौजूद है ये स्कोर प्रिडिक्टर बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने जब तैयारी करनी है आपने जब आप मेहनत करनी है आपने जब जोर लगाना है इस जोर के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो कहीं आप ट्रैक तो नहीं हो रहे कहीं आप इधर उधर तो नहीं जा रहे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही कहीं आप एनर्जी लूज तो नहीं कर रहे तो ये स्कोर प्रिडिक्टर फौरी तौर पे आपको अलर्ट करता है और आपको अलर्ट करने के बाद आपकी पोजीशंस को इंश्योर करता है और आपको तैयारी करवाता है कि जनाब आपने जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए आपने अपने 180 को लूज नहीं करना वाई 180 बात हो सकती है ना कि सर आपने वन एटी की बात क्यों की आप कुछ और भी तो कह सकते थे आप यह कहते थे कि 160, आपने इतना क्यों रखा रखा इसलिए क्योंकि हमारा तजुर्बा यह कहता है कि जो वन एटी अचीव करता है वही एडमिशन सिक्योर करता है इवन वन वाले स्टूडेंट्स को हमने डाउट्स में देखा है हमने 173, 172, 176 इन स्टूडेंट्स को डाउट में देखा है लेकिन जब हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो 180 प्लस पे रहते हैं अपने आप को इस पोजीशन पे रखते हैं वो ये सिंपल नहीं है 180, इसके लिए जोर लगाना पड़ता है कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको फोकस्ड रहना पड़ता है आपको एम्बिशियस रहना पड़ता है आपको अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करता रहना पड़ता है फिर जाके आप इस 180 को मेंटेन करते हैं और जब आप इस 180 को मेंटेन करते हैं फिर बात आगे चलती है चलती है चलती है चलती है और आप इस जगह पे पहुंचते हैं जो आपका ख्वाब था अब हम बात बढ़ाते हैं आगे आज के टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स आज हमने टॉपिक चूज किया इस डिस्कशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चूज करने की एक खास वजह थी इस टॉपिक के अंदर पूरी एक सेंस मौजूद है जो एम टी कैट के हवाले से हमें हर चीज को क्लियर कर देती है हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक की बात करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखते हैं तो हमें इसके सब टॉपिक में नजर आता है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास तीन सब टॉपिक्स नजर आते हैं और हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है अब हम ये कहते हैं कि जनाब जब ये तीन टॉपिक्स हैं तो शायद हम इसी को तैयार कर लें लेकिन एमडी कैट की रूह इससे अलग है एमडी कैट की रूह इससे कैसे अलग है एमडी कैट की रूह इससे इस तरह अलग है कि आपके पास हम लोग मैं ये कहता हूं एज ए फिजिक्स इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स के आपके पास टॉपिक तीन तरह के होते हैं एक होता है एग्जैक्टली exactly वो टॉपिक जो यहां पर मौजूद है जैसे यहां पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और कुछ बातें हमें यहां से नजर आती हैं जैसे यहां पे आपको नजर आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटिटी अब उसमें उसमें क्वांटिटेटिवली हमने पाथ को फॉलो जो कर रहे हैं वो उसको स्टडी करना है और फोर्स को भी स्टडी करना है ये वो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो हमें यहां पर पढ़ने पड़ेंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक को तैयार करते हुए हमें सारी की सारी थ्योरी समझ आती है जब भी आप कोई टेस्ट तैयार करते हो ना तो आपको सबसे पहले यह सीखना है कि इस टेस्ट को तैयार करने का मैकेनिज्म क्या है हम लोग ये कहते हैं कि हम सब लोगों ने कोई हाइकिंग पे जाना है और उस हाइकिंग पे हम जा रहे हैं लाइक like, मुखपुरी एक बड़ी जबरदस्त पीक है नथिया गली के पास हम इसको देखना चाहते हैं और हम इसको जाना चाहते हैं वहां पर अब आप कहते हैं कि अच्छा हाइकिंग पर जाना है तो जस्ट अच्छे जोगर्स पहन लिए और कुछ खाने पीने का सामान ले लिए और चल पड़े नहीं ऐसे नहीं गुजारा होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं शायद आपके साथ जो दोस्त हैं उनमें से किसी को, को तबीयत तो नहीं खुदा खास्ता ख़राब हो जाती तो उसको मेडिसन की ज़रूरत तो नहीं पड़ जाएगी तो वो मेडिसन साथ रखनी पड़ेंगी ये रेलेवेंट टॉपिक्स वो मेडिसन है जिनकी ज़रूरत पड़ जाया करती है ये रेलेवेंट टॉपिक्स वो एड्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ जाया करती है इस एड के बगैर आप पीक की तरफ नहीं जा सकते तो हमें यहां पे उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है जो एग्जैक्टली exactly सारे टॉपिक्स को भी पढ़ना है जो इस जिनको पढ़े बगैर ये टॉपिक्स जो एग्जैक्टली मैं कवर नहीं होते अब हम बात करते हैं अपने इस लेक्चर की और हम इसकी तरफ चलते हैं आगे की तरफ अब हम लोग जब आगे चलते हैं और हम लोग जब इसमें पढ़ते हैं बात को और हम लोग इसको देख रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनाब आपके पास एक एक कॉन्सेप्ट है ये जब हम लोग बात कर रहे हैं ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म हम ये कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म जैसी टर्म आपके पास आती है ना दिमाग में इलेक्ट्रो

स्टेशनरी अब जब चार्ज मूविंग होगा तो कुछ और बिहेवियर है और जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो कुछ और बिहेवियर है अब यहां पर जब हम स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं तो उसके साथ एक फील्ड एसोसिएटेड होती है और उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टेशनरी है अगर वो स्टेशनरी है चार्ज तो उसके साथ एक फील्ड है और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो अब मूविंग चार्ज के साथ दो फील्ड्स होती हैं मूविंग चार्ज के साथ दो फील्ड्स होती हैं एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक और दूसरी फील्ड होती है मैग्नेटिक अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हो गया कि हर चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी लेकिन जब वो स्टेशनरी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब वो मूविंग होता है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन मूविंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज के साथ है तो यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है पहला एमसीक्यू हमने पास्ट पेपर में देखा कि उसने एक सवाल किया और उसने सवाल ये क्या किया ये सवाल मौजूद था और उसमें काफी सारी डिस्कशन हुई कंफ्यूजन आई और उन कंफ्यूजन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि यार कंफ्यूज नहीं होना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वो सवाल ये था कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अब ऑप्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ या नन ऑफीज यहां पर ना कॉमन बात है एक कॉमन सेंस है कि चार्ज चाहे स्टेशनरी हो चाहे मूविंग हो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी मोशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं भी होगी मोशन तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मोशन जब नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद है ही ना तो फिर जब उसने ये टर्म इस्तेमाल की ना मूविंग चार्ज तो अब इसकी मोशन के साथ रिलेट हो गई बात अब बात किसके साथ रिलेट हो गई चार्ज के साथ नहीं बल्कि इसकी मोशन के साथ मैं देख रहा हूं मुझे आपके कमेंट्स नजर आ रहे हैं जल्दी से आंसर लिखे, जल्दी जल्दी लिखे कि आपके पास वो कह रहे मूविंग चार्ज अब मूविंग चार्ज की स्पेशलिटी क्या है मूविंग चार्ज की स्पेशलिटी है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब वो मूविंग नहीं भी था तब भी मौजूद थी जब वो मूव नहीं भी कर रहा था तब भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद थी तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है मूविंग उसका मोशन में होना जब वो मोशन में है जब वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसकी मूवमेंट की वजह से आपने बताना है कि कौन सी मैग्नेटिक कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है तो हम यहां पे लिखेंगे मूवमेंट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी मैग्नेटिक फील्ड तो अभी जस्ट हमने बात स्टार्ट की है तो आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वो कॉन्सेप्ट ये है कि वेन एवर ए चार्ज मूव तो उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हम कहते हैं कि क्यों हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उसने वर्ड स्पेसिफाई कर दिया कि मूविंग चार्ज तो इसका मतलब यह हो गया कि हमें उसकी मोशन वाले एस्पेक्ट को जहन में रखते हुए आंसर देना है और वो आंसर यह है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड पर नजर रखनी है और जब आप मैग्नेटिक फील्ड पर नजर रखेंगे तो ही आप जो है इस बात को समझने के काबिल होंगे हम ये कहते हैं कि यार ये जो मूविंग चार्ज है इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो अब इस कॉन्सेप्ट को आगे चलना है हम जब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट मोशन ऑफ चार्ज कौन सी है हमारे पास मैं अगर आपसे पूछूं जरा मुझे बताएं ना कि जनाब स्मॉलेस्ट पाथ जो है जिस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कौन सी है तो आप फौरी तौर पे कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक शेल अब अगर इलेक्ट्रॉनिक शेल ऐसा है कि वो स्मॉलेस्ट मोशन ऑफ पाथ को शो कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक शेल बेसिकली करंट केयरिंग लूप है ना देखें ना अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड न्यूक्लियस यहां पे मूव कर रहा है तो जब वो मूव कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहां पे एक पाथ है उस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो एक करंट कैरिंग लूप बन गया और करंट कैरिंग लूप की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप होनी चाहिए थी अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होनी है वहां पर उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमें हर दफा क्यों नजर नहीं आता क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं लेकिन हम हर दफा इसको स्टडी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास मटेरियल की टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है आप इसके अंदर क्या चल रहा है इसके अंदर जनाब यह ये जा रहा है कि एक मटेरियल, एक टाइप ऐसी हमारे पास जिसके अंदर वो मुसलसल कैंसिल आउट कर रहे हैं और जब वो मुसलसल कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है डाया मैग्नेटिक क्या होता है नो मैग्नेटिक फील्ड क्यों मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि उसके अंदर ओरिएंटेशन ऐसी है एटम्स की कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं दूसरा हमारे पास आता है पैरा मैग्नेटिक मटीरियल और हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर वीक रिस्पॉन्स होता है होती है लेकिन वीक होती है और फिर हम ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास एक आता है जिसको हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और ये आपको स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देता है अब हम लोग जब जनरली मटेरियल्स की बात करते हैं हम लोग जब जनरली कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम ऐसे मटेरियल्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं अब ये जो एक स्ट्रोंग मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इसको स्टडी करने के लिए हम लोग दो तरह की सिचुएशंस पढ़ते हैं एक सिचुएशन वो पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप होता है मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है ये एक सिचुएशन जिसके अंदर आपके पास ये एक कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है इसमें मैं ये कहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड अब डायरेक्शन ऑफ करंट जब अपवर्ड है तो हम ये देखते हैं कि इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है वो इस तरह की कोसेंट्रिक सर्कल्स की शक्ल में होती है एक बात अच्छा दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक और कंडक्टर है उसमें यही डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है और लेकिन जब मैं इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी को सेंट्रिक है तो अगर करंट अपवर्ड है तो भी कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं अगर करंट डाउनवर्ड है तो भी कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो फिर फर्क क्या हुआ क्या डायरेक्शन ऑफ करंट के फर्क की वजह से क्या डायरेक्शन ऑफ करंट के फर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की नेचर में फर्क नहीं पड़ता तो हम कहते हैं नहीं मैग्नेटिक फील्ड की नेचर में फर्क पड़ता है हम कहते हैं कैसे पता चलेगा कि फर्क पड़ा हम कहते हैं फर्क ऐसे पता चलेगा कि हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते है? पहले रूल सुन ले उसके बाद मैं दूंगा आपको एक टिप और उस टिप उस ट्रिक के जरिए से ये काम बहुत आसान हो जाएगा रूल सुन लें रूल ये है कि प्लेस ऑफ योर राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ एंड कर्ल योर फिंगर्स। आप डायरेक्शन ऑफ करंट में थम को प्लेस करें और फिंगर्स को कर्ल कर ले आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी जैसे कि यहां पर जब आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी और जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ऐसे यानी मिलेगी ये तो हो गया रूल रूल क्या कह रहा है रूल बड़ा सिंपल है मेरे साथ जरा रिपीट करेंगे कि कैसे प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट उसके बाद क्या करना है अच्छा थम कौन सा राइट right हैंड का रूल बात याद रखिएगा राइट right हैंड रूल अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको उस प्रेशर में याद रहे कि आपका राइट right हैंड कौन सा है बच्चे भूल जाते हैं राइट हैंड के थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर अब बड़ी सिंपल सी बात है और वो सिंपल सी बात यह है कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो अगर करंट की डायरेक्शन टू दी राइट हो या करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ पेज हो इन तीनों डायरेक्शंस के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज़ हो ये चार डायरेक्शंस पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं अपवर्ड टू दी राइट और आउट ऑफ पेज और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट टू लेफ्ट हो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन टू पेज हो तो आप यह देखेंगे कि यह हमेशा क्लॉकवाइज हो अब इसका एक और रूल भी है अगर आप कंडक्टर को अपने सामने रखते हैं और करंट इज कमिंग टूवर्ड्स यू आपने कंडक्टर को अपने सामने रखा और करंट आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम यू तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है ये बातें याद रखनी है ये बातें लिख लें यह बातें आपने पक्की 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 जहन में रख लेनी है कि जब भी जब भी आप बात कर रहे हैं जब भी आप बात कर रहे हैं और आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको ये याद रखना है कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द राइट और आउट ऑफ पेपर इन सारी सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड काउंटर क्लॉकवाइज होगी जैसे कि ये है और जब भी करंट डाउनवर्ड जा रहा है टू द लेफ्ट जा रहा है इन टू पेज जा रहा है तो उसमें डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बन रही होगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन रही होगी जिसको हम कहते हैं कि जनाब वो आपके पास एक क्लॉकवाइज सिचुएशन बन रही होगी और क्लॉकवाइज सिचुएशन नेगेटिव होती है आपको याद है ना ये बात आपको पता एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं तो हम इस बात को जहन में रखते हैं मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल फिक्स हो जाए आज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपकी

मैग्नेटिक फील्ड को सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्टडी करने के हमारे पास जो मेथड है वो है राइट हैंड रूल और ये जो राइट हैंड रूल है जब मैं इस बात को पढ़ रहा हूं जब इस बात को बता रहा हूं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टू दी राइट अपवर्ड आउट ऑफ द पेपर सब काउंटर क्लॉकवाइज है डाउनवर्ड टू लेफ्ट दिन टू पेपर सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हम बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि हम जिन फिनॉमिलास को देख रहे हैं हम जिन चीजों को देख रहे हैं उन चीजों में हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का रोल बहुत सारा इंपॉर्टेंट है अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की इस डिस्कशन को देख रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को रीड करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए कुछ लॉज चाहिए होते हैं। हम ये कहते हैं कि कियर मैग्नेटिक फील्ड आप क्या टूल इस्तेमाल करेंगे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है क्या टूल है आप कहते हो सर वो

बात करनी है और बात यह करनी है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट ड्यू टू फ्लोइंग करंट तो हमें कौन सा रूल इस्तेमाल करना चाहिए आपकी भी तो नॉलेज होगी ना आप में से कुछ बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो है और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं कुछ बच्चे अभी मुझे मैं पढ़ रहा था यहाँ पे कि वो लेजेंड्स कौन से हैं जो एक पेपर से एक दिन पहले यहाँ के आए बैठे हुए हैं वो लेजेंड्स लिखे ना तैयारी कर रहे हैं ना तो मुझे बताएं के कौन सा रूल ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड मैयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा कौन सा टूल ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा जरा जल्दी से लिखे जल्दी से लिखे ये आ है पाम रूल अरे भाई पाम रूल नहीं होता ये एक आ रहा है राइट हैंड रूल ये डायरेक्शन के रूल्स हैं अरे वाह कुछ डॉक्टर्स आ गए डॉक्टर मैं डॉक्टर कह रहा हूं एनर्जी मिलती है डॉक्टर जैनब डॉक्टर मुबर्रा और 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 डॉक्टर साद अच्छा लगता है ना डॉक्टर सुन के मजा आता है ठीक है ना इस एनर्जी को मेंटेन करना है ये ये कह रहे हैं जी ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं एम्पेयर्स लॉ यस हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जिस रूल की जरूरत पड़ती है जिस लॉ की जरूरत पड़ती है वो लॉ है एम्पियर्स लॉ वो लॉ क्या है वो इम्पेयर लॉ है यानी आपको जब भी करंट के पैसेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको अप्लाई करना है लॉ अप्लाई करना है लॉ है वो इम्पेयर लॉ और वो इम्पेय लॉ क्या कहता है इंपेयर लॉ ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ लूप इज म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर हम इस सारी बात को जरा बाद में डिस्कस करते हैं पहले जब म्यू नॉट को डिस्कस कर लें हम कहते हैं म्यू नॉट क्या चीज है म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है लेकिन इस फ्री स्पेस को बताते परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को बताते-बताते बताते आज मैं आपको मजीद कुछ जो है ना एमसीक्यूज बताता हूं इसमें मैं अगर आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या है तो आप कहोगे सर 4 पाई 10 रेस पर -7 वेबर पर मीटर परम ये कहोगे ना आपको भी याद है मुझे भी याद है लेकिन इसके अलावा भी यूनिट्स हैं इसके अलावा भी यूनिट्स हैं इसकी यूनिट्स इससे मुख्तलिफ भी हैं इसकी एक यूनिट हेनरी पर मीटर भी है क्वांटिटी सेम है वो फोर बाई टेन पर माइनस सेवन ही है ठीक है इसकी एक यूनिट न्यूटन पर एमपेयर स्क्वेयर भी है अब ये क्या हो गया ये था याद जो बचपन से याद करते आ रहे हैं और ये क्या है ये है आपके पास नियर पियर्स का गिफ्ट जो आज के लेक्चर में आपको पता चल रहा है कि अगर वो ये कह दे कि जनाब

मल्टीप्लाई कर दिया दैट्स इट तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपने हर हर बात पर नजर रखनी है और यहां पर जो बात हम लोगों ने कही कि आपको जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो अप्लाई करना पड़ेगा इंपेयर्स लॉ और जब इंपेयर लॉ अप्लाई कर रहे होंगे तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बी डॉट एल इज टू म्यू नॉट आई और म्यू नॉट क्या ऑफ फ्री स्पेस आपको पूछता है कि पमिएबिलिटी क्या चीज है पमिएबिलिटी क्या चीज है तो हम कहते हैं ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रही होती है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है ये एक्सप्लेन कर रही है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में सबने बताया पता है ना, फ्री स्पेस क्या है? में पढ़ते है ना वो हाउ मच टू कि एक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा हैं अब जब कंडक्टर में से पास कर रहा है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है उस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है कि अगर वो कंडक्टर फ्री स्पेस में रखा होता तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होती दिस इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और हम इस बात को पढ़ रहे हैं और इसमें हम भी कह रहे हैं कि हमारे पास फोर पाइट टेन पर माइनस सेवन की क्वांटिटी ये मैग्निट्यूड है और फिर उसके साथ उसके मुख्तु यूनिट्स हैं वो वेबर पर मीटर पर एम्पेयर है वो एच ओवर एम है वो एन ओवर ए स्क्वेयर है ये सब याद रखना है ये सब के सब आपने याद रखना है और जब ये सब आप याद रखेंगे जब ये सब का सब आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर हम ये कहते हैं कि ये बातें अब इसके बाद एमपेज लॉ को अप्लाई करने की बारी आती है अच्छा लॉ की जो फॉर्मेशन है ना आपके पास ये फॉर्मेशन ना बड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है आपको असल अच्छा, फॉर्मेशन क्या है एक ना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूं आपका इस बात को जहन में रखिएगा ये एक लेंथ है ना एल आप इसको ना सर्कल में बदल दो अब इस सर्कम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा 2 पाई आर ठीक है ना तो ये लेंथ किसके बराबर होगी लेंथ बराबर होगी 2 पाई आर याद है वो आप जब बोहरस एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे होते हो बोहर एटॉमिक मॉडल में उसके जो पास्टुलेट जस्टिफाई कर रहे होते हो सेकंड पास्टुलेट उसके अंदर हम इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं बोहरस एटॉमिक मॉडल को हम रिलेट कर रहे होते हैं उसके साथ वो जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जना जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो उनका मोमेंटम है और वेवलेंस और एनर्जीज है, हैं और डेविसन जर्मल एक्सपेरिमेंट वाली बातें और हाइपोथेसिस जो है डी ड्रॉगला हाइपोथेसिस उसके साथ अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ टू पाई आर के बराबर अभी आपने क्या कहा था आपने कहा था बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अब मैं इसको लिख सकता हूँ बी इन टू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और मैं इसको लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर टू पाई एन टू आई ओवर आर सेपरेट करके लिख दिए सेपरेट अलग अलग कर दिया है अब यहां पर क्या नजर आ रहा है ये कौन हो गया ये हो गया कॉन्स्टेंट ये हो गया कॉन्स्टेंट अब बी किसके साथ रिलेट कर रहा है बी रिलेट कर रहा है करंट के साथ ये बड़ी कॉमन बात थी जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है और वो ये कि बी इनवर्सली रिलेट कर रहा है आर के साथ हम बिलूम जो लॉस पढ़ते हैं वो इनवर्स स्केयर लॉ है लेकिन जब हम इंपेयर लॉ की बात करते हैं तो वो इनवर्स लॉ तो है लेकिन वो इनवर्स स्क्र लॉ नहीं है बी आर के साथ इनवर्सली रिलेट करता है यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली कम होना शुरू हो जाएगी ये एक और गिफ्ट है जो आपके नजर किया जा रहा है नियर पेयर की तरफ से कि आपने याद रखना है कि बच्चों को ये याद होता है कि जनाब डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कैसे कम होती है डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम होती है पोटेंशियल कैसे कम होता है लेकिन बच्चों को ये याद नहीं रहता कि डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कम होती है ये एक सिंपल लीनियर रिलेशन है अगर आपके पास डिस्टेंस जो है वो आर है मैग्नेटिक फील्ड बी होगी अगर आप आर को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी अगर आप आर को हाफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल होना शुरू हो जाएगी तो इस बात को आपको याद रखना है आपने इस बात को याद रखना है कि बी लीनियरली रिलेट कर रही होती है और जब ये लीनियरली रिलेट कर रही होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी और बड़ा सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर डेवलप होता रहता है अच्छा अब हम लोग ना आगे चलते अगली बात करते अब हमने बी को भी तो आगे की तरफ लेके जाना है ना हमने बी वाली बात को भी तो आगे बढ़ाना है ये जो बी है ना मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से ना हमारे पास दो तीन बिहेवियर्स आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ रहे होते हैं ना हमारे पास ना एक ना कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बार मैग्नेट बार मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक नहीं है लेकिन बार मैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक टॉपिक के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है वो क्या है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि आपके पास ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है सिंपल अच्छा हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पास है सोलिनोइट सॉलिनाइट क्या होता है सॉलिनाइट एक क्वाइल होता है करंट पास कर रहे होता है और सोलिनाइट के बारे में हम कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक ए बारिट अच्छा पहले हम सोलिनाइट की बात आगे करें इस बात को याद रखना है कि ये जो जो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं ना ये अभी मैंने एट द एंड ऑफ अप्लाई करवाना है ये याद रखिएगा ये बात मैं दरमियान में कह रहा हूं आपको बता रहा हूं आपने भागना नहीं है अभी कहीं कोई यहाँ से इधर उधर नहीं जाए क्योंकि ये नमाज जो है ना ये जो तैयारी है ये दरमियान में यहीं पे रुक जानी है फिर फिर ना मुझे कहिएगा ठीक है थीके? तो इसलिए ना इस तैयारी में आपने बैठे रहना ध्यान से जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी हमने अप्लाई करना है किस पे अप्लाई करना है वो आपके लिए एक सरप्राइज है एट द एंड ऑफ दी लेक्चर जो है कुछ चीजें हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी और आप उनके बारे में सोचते हैं कि यार ये कैसे करना है इसको कैसे करें ये अगर आ जाए ये चीज हमें मिल जाए तो कैसा होगा तो याद रखिएगा वो हम देखते हैं ना ऊपर लिखा है आई वापस आइड ये सोलिडाइट है ना इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट अब ये जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना तो इसके अंदर भी आपके पास वही बिहेवियर है कि आपके पास इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं और रूल क्या है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि वो आप को करते हैं और फिंगर्स को कल करते हैं दी डायरेक्शन ऑफ करंट और थम टूवर्ड्स दी नॉर्थ पोल आता है लाइक like अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो हम ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल अच्छा सोलिनाइट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। और इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट एन ओवर एल आई यहां पर सोलिनाइट का किस्सा डिस्कस करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि बाहर तो सोलिनाइट का कोई ताल्लुक नहीं था सोलिनाइट किसी जगह से अटैच नहीं हो रहा था तो फिर सोलिनाइट को क्यों ऐड किया जा रहा है सोलीनाइट को इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि सोलिनाइट एक फिनोमिना है जो रियल लाइफ का भी है Solenite की एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं की ना एक और मोडिफाइड फॉर्म होती है troid. ये मोटरों में इस्तेमाल होता है मोटरों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं ना ये टोराइड होते हैं ठीक है सोलिनाइड स्ट्रेट होता है ना आप इसी स्ट्रेट को ऐसे बना दें तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो है ना ये इस तरह डेवलप हो जाता है नॉर्थ और साउथ अब ये ये क्या है ये टोराइड स्ट्रेट है तो सोलिनाइड उसी को बेंड कर दिया तो टोराइड बन गया और उसको हम इस्तेमाल करते हैं मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए ठीक है तो टोराइड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए अच्छा सोलिनाइट की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है लेकिन लॉन्ग सॉलीनाइट लॉन्ग सोलिनाइट की मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी होती है जी एट सेंटर होती है बी और एट एंड्स कितनी होती है वो होती है बी बाय टू ये याद रखिएगा हम लॉन्ग सॉलीनाइट्स की बात कर रहे हैं जो जब वो कहेगा ना नॉर्मल साइज वो कहता है सिंपल सोलिनाइट तो बी ठीक है लेकिन जब हम कहते हैं ना लॉन्ग सॉलीनाइट तो लॉन्ग सॉलीनाइट्स की दो सिचुएशंस हैं एक है सेंटर पर वो बी है वो यूनिफॉर्म है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट एन पाई लेकिन जब वो बात करते हैं लॉन्ग सोलिनाइट की तो एट द एंड क्या होता है वो जरा डिफरेंट हो जाती है और जब वो डिफरेंट होती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो है ना हमारे पास डिक्रीज हो जाती है अब ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी ये हाफ हो जाएगी तो इस बात को आपने याद रखें अब जब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की और अभी जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे तो हमने यहां पे एक टर्म इस्तेमाल की कि ये आपके पास लाइंस आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाती है ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल और ये साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं साउथ की तरफ जा रही हैं और ये नॉर्थ से साउथ नॉर्थ से साउथ हम चला रहे हैं सारी बात लेकिन अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जैसे कि हॉर्स शू मैगनेट में होती है दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल और यहाँ पर से लाइंस इस तरह आ रही होती हैं तो जब ये लाइंस इक्वी डिस्टेंट होती है जब ये लाइन इक्वल होती है तो हम ये कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जब किसी एरिया से पास कर रही होती हैं, तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फोर्स हमें जस्ट uh, मिनट हम इसको जरा देख ले हमें कहते हैं कि हमारे पास एक चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स फ्लक्स वाली बात को हम जरा ठहर के पढ़ते हैं उससे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो आपके पास ना एक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है आई अब जब उसके अंदर से आई करंट पास कर रहा है तो उसके इर्दिर्द उसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई नॉर्मल ठीक है अच्छा इस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी मैंने वहां पर एक और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप कर दी अब यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई पहली मैग्नेटिक फील्ड वो है जो उस करंट के पैसेज की वजह से उस कंडक्टर के अराउंड डेवलप हुई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वो है जो मैंने यहां पर ये अप्लाई की है अब आपके पास दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड है एक है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस इज इंड्यूस्ड ड्यू टू अ लॉट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर और हम ये कहते हैं कि जनाब जब ये दोनों चीजें आपस में ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में आती हैं ओवरलैप करती हैं तो अब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये तो बात हमें बचपन में बता दी गई ना कि नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा साउथ पोल साउथ पोल को रिपेल करेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब ये है कि अगर अट्रैक्शन हो रही है अगर रिपल्शन हो रही है तो फिर कोई ना कोई कोई ना कोई अट्रैक्शन रिपल्शन गेम चल रही है अब उस गेम के चलने की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है तो अब जब मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करता हूं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाती है अब वो फोर्स किसके बराबर होती है वो फोर्स बराबर होती है आई एल क्रॉस बी के और मैं ये कहता हूं इस फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं मैं इस फोर्स को लिख सकता हूं आई एल बी साइन थीटा के अब यहां पर मुझे बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जब थीटा होगा जीरो डिग्री तो फोर्स हो जाएगी जीरो और जब थीटा होगा नाइंटी डिग्री तो फोर्स हो जाएगी आई एल बी और मैं इसको कह देता हूं कि ये होगी इसकी मैक्सिमम फोर्स तो अगर मैं इस बात को इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर दू तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन डेवलप होता है वो होता है एफ मैक्सिमम साइन थीटा अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया और वो कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप हुआ कि फोर्स किसके बराबर है फोर्स बराबर है एफ मैक्सिमम साइन थीटा के लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है एम टी कैट के, के स्टूडेंट को साइन कॉस वाले वैल्यूज ही याद नहीं होती आप में से कितने लोग ऐसे जिन्हें साइन और की और की की वैल्यूज याद नहीं होती जरा क्विकली मुझे बताइएगा मैं ना भाई जरा जल्दी से जल्दी से मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं कि जल्दी से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें साइन कॉज टेंज की वैल्यूज के अंदर इश्यूज हैं जस्ट रेज योर हैंड्स जल्दी से क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी से मुझे बताएंगे ना कि अगर आप बताएंगे तो मैं आपको एक मेथड दूंगा और मैं आपको इस मेथड की वजह से आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि यार ये तो काम आसान हो गया देखिए जिन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ती है ना वो वैल्यूज होती हैं जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री और नाइन्टी डिग्री अब आपने क्या करना है आपने ये करना है कि यहां पे काउंटिंग लिखें जरा जीरो वन टू थ्री फोर और डिवाइड कर दें सबको फोर पे और सबका स्के रूट ले लें और जब इस सबका स्के रूट ले लेंगे तो सबसे पहले यहां कौन आएगा जीरो यहां पे कौन आएगा वन बाय टू यानी जीरो पॉइंट फाइव यहां पर कौन आएगा वन ओवर स्के रूट टू यानी जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन यहां पे कौन आएगा स्केर रूट थ्री बाय टू ये साइन की वैल्यूज है साइन जीरो पे जीरो साइन थर्टी पे वन बाय टू फिर जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन फिर जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स और फिर वन अगर आपको कॉज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी इन सारी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दे इन सारी वैल्यूज को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है और वो बन जाएगा वन जीरो सिक्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन जीरो पॉइंट फाइव एंड अगर आपको टेंजेंट की वैल्यूज चाहिए तो जस्ट आपने टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस तो ऊपर नीचे डिवाइड करते जाए ये बन गया जीरो जब आप इस वैल्यू पे आएंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर स्के रूट थ्री जब आप इधर आएंगे क्योंकि ये आपके पास ये वैल्यू थी ना इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यह स्केय थ्री बाई टू के बराबर थी ना ये वैल्यू इसलिए ये आ गया आपके पास वन ये आ गया आगे रूट थ्री और ये आ गया आपके पास इंफिनिटी तो ये टेबल बड़ा सिंपल है आप दो तीन दफा बनाएंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या किया जीरो से लेके फोर तक फोर पे डिवाइड किया स्केयर रूट लेके सॉल्व किया साइन की वैल्यू उनको रिवर्स में लिखा जैसे ही आपने उनको रिवर्स में लिखा तो हमने कहा कि जनाब ये आपके पास कॉस की वैल्यूज बन गई और जब साइन ओवर कॉस किया तो वो सारी वैल्यूज टेंजेंट की बन गई अब अगर आपके पास ये वाला सवाल आता है और उसमें साइन की कोई भी वैल्यू अप्लाई करनी है तो आपका काम बहुत सिंपल है बहुत आसान है आपको याद रहेगा कि साइन अगर जीरो है तो जीरो है अगर 45 है तो इसका मतलब है कि वो वन ओवर इसके रूट टू यानी जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन है और अगर वो 60 है तो आपको याद रहेगा कि दैट वुड बी जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो इस तरह की वैल्यूज आपको याद रखनी है अच्छा अब जरा वापस आए इस कॉन्सेप्ट कि ये जो आपने कैलकुलेशन की थी ना कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी यहाँ से हम बी को यूनिट वाइज भी इंट्रोड्यूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि दिस इज एफ ओवर आई एल यानी आपके पास बी बी मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का तो जो यूनिट है दैट इज टेस्ला और हम ये कहते हैं कि टेस्ला इज वन न्यूटन पर एंपेयर पर मीटर यानी वन टेस्ला इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर पर एंपेयर ये एक बड़ी अहम बात है इसके बाद एक और बड़ी अहम बात है कि टेस्ला इज नॉट ओनली यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम आगे जाके देखेंगे कि टेस्ला के अलावा मैग्नेटिक फील्ड की और भी यूनिट्स मौजूद हैं लेकिन यहां पर हम एक यूनिट का तस्करा करना बहुत जरूरी समझते हैं और वो है गोज और हम ही कहते हैं कि वन गॉज इज इक्वल टू टेन डेज पर माइनस फोर टेस्ला या इन रिवर्स हम ये कहते हैं वन टेस्ला इज इक्वल टू टेन रेस पर फोर गॉज टेस्ला इज ए बिगर यूनिट गॉज इज ए वेरी स्मॉलर यूनिट वन थाउजेंड के मतलब जो फैक्टर है उस पर हमारे पास आता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये बड़ी अहम और बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें याद रखनी है मैं साथ साथ आपके कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ और उसमें मैं मेरे जहन में इन शाला बहुत जल्दी मैं उसका रिस्पांस भी करूँगा आपको अच्छा अब हम ये कहते हैं कि इसके अलावा जो यूनिट्स हैं उसको हम आगे जाके देखते हैं अच्छा यहां पे ना एक बड़ी अहम बात है कि ये जो फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि ये एक कंडक्टर है और उसमें करंट पास कर रहा है आई अगर मैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना हो बल्कि एक और कंडक्टर ही हो और उसमें से भी करंट पास कर रहा हो आई और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो फिर क्या होगा या अगर मैं कहूं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड और यहां पर ये एक कंडक्टर है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड अब क्या होगा इस बात को समझने के लिए आपको इस लेक्चर के बिल्कुल इनिशियल पार्ट को समझना बड़ा जरूरी था वो जो थे ना फैरोटिक बिहेवियर और पैरा मैग्नेटिक और बिहेवियर उसमें क्या हो रहा था उसमें हो ये रहा था कि उनके स्पिन एक्सिस इस तरीके से ओरिएंटेड थे कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे जब हम डाया मैग्नेटिक को देखते थे और फेरोमैग्नेटिक में वो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह की थी कि वो एक दूसरे को री इनफोर्स करते थे और जब वो एक दूसरे को री इनफोर्स करते थे उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती थी अब हम यहां पे ये यह कहते हैं कि ये दोनों की डायरेक्शंस एक जैसी है ये एक दूसरे को री करेंगे और जब ये एक दूसरे को री करेंगे तो यहां पर एट्रैक्शन डेवलप हो रही होगी ये अट्रैक्टिव बिहेवियर होगा इनका ठीक है जब हम देखेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन का करंट होगा तो इनका बिहेवियर रिपल्सिव होना शुरू हो जाएगा ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे अब यहां पर इस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर के साथ साथ हमें इस बात को याद रखना है कि आपको जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आ रही हो करंट कैरिंग कंडक्टर की बात आ रही हो तो आपने नजर रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ करंट सेम तो नहीं है जब भी सेम होगी तो वो अट्रैक्ट करेंगे जब भी मतलब लाइक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे और जब वो एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे तो हम कहेंगे यार ये रिपल्सिव है ये कैंसिल आउट कर रहे हैं ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे अब अगली बात करते हैं इसी तरीके से ये जो हम लोगों ने बात की ना कि कंडक्टर था और कंडक्टर के ऊपर ये जो आपके पास करंट पास कर रहा था उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो एक और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की और फोर्सेस लगी जब ये सारी बातें की ना आपने तो अब यही बात आपको मूविंग चार्ज के केस में भी करनी चाहिए जब मैं बात करता हूं मूविंग चार्ज की इन मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पे याद रखिएगा ये मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात भी बहुत दूर तक जाती है ठीक है अगर आपके पास ये सिंपल एक चार्ज है क्यूब ये मूव कर रहा है और यहां पर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी बी क्या ये यह चार्ज यहां से मूव कर सकता है यस कर सकता है चार्ज तो मूव करेगा ही करेगा आपने उसको मूव करवाया हुआ ठीक है लेकिन क्या ये इसी तरह मूव करेगा नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि ये जो चार्ज यहां पे मूव कर रहा है ना इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से यहां पर एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड डेवेलप हुई हुई है अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स किसके बराबर होगी वो फोर्स बराबर होगी क्यू वी क्रॉस बी के और मैं उसको अगर लिखता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा क्यू वी बी साइन थीटा और अगर मैं इस बात को रिलेट कर दूं विक्टोरियल फॉर्म में तो मैं इसको लिखूंगा क्यू वी बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको वेक्टर्स को याद रखना है वो राइट हैंड रूल अप्लाई होता था लेकिन इस डायरेक्शन को मैं यहां पर कैसे याद रखूं तो इस डायरेक्शन को यहां पर याद रखने के मेरे पास दो मेथड हैं एक राइट हैंड पाम रूल और एक हम सिंपल कहते हैं आपके पास राइट हैंड रूल है जिसमें हम फिंगर्स की मदद से इसको सॉल्व करते हैं मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप राइट हैंड पाम रूल को याद रखना है क्यों क्योंकि ये सबसे आसान रूल है थम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये वही यही रूल कंडक्टर के केस में भी इस्तेमाल होगा कि थम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अब वो चार्ज मूव कर रहे है या वो करंट फ्लो कर रहा है फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एफ फॉर फिंगर एफ फॉर फील्ड ठीक है आप लिफ्ट लेते हैं लेते लिफ्ट लिफ्ट तो बंदा ऐसे करता है ना तो जिस तरफ मूव कर रहे थम उस डायरेक्शन फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन फील्ड और पाम शो कर रही है फोर्स को तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास बड़ा सिंपल हो गया कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है पाम की तरफ Velocity along the thumb, magnetic field along the fingers. तो आपके पास बड़ी आसानी से यह बात आती है लेकिन यहां पर साथ के साथ एक बात है कि ये जो rule आप बता रहे हो यह है for positive charge. ये किस लिए है For positive charge. ये positive charge के लिए हो रहा है नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बैक ऑफ दी पाम आ जाएगी नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा बैक ऑफ पाम आ जाएगी अब जब बैक ऑफ पाम आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया सारी गेम उलट हो गई यानी अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड एन टू पेपर है यहां से एक पॉजिटिव चार्ज आया यहां से एक नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा सोच के बताएं जरा मैग्नेट ये मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ तो ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ और ये मूव कर जाएगा नीचे की तरफ अब यहां पर जब ये ऊपर की तरफ और जब ये नीचे की तरफ हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनाब पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स कौन सी है पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स कौन सी है नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स है नेगेटिव क्यू वी बी साइन थीटा तो इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जरा क्विकली मुझे एक रिस्पॉन्स दे कि आपके पास वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अब जब आपने उनको परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया मुझे बताएं कि उनके ऊपर जो लगने वाली फोर्स थी इलेक्ट्रॉन पर और जो प्रोटॉन पर लगने वाली फोर्स थी उसकी रेशो कितनी होगी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स और प्रोटॉन पे लगने वाली फोर्स की रेशियो कितनी होगी अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कंफ्यूजन ये आती है मैं देख रहा हूं मुझे ना बताइएगा मैं वेट कर रहा हूं आपके कॉमेंट्स का जल्दी से जल्दी से मुझे बताए कि किस पे फोर्स लगेगी क्या ज्यादा लगेगी कम लगेगी इक्वल लगेगी अब इसके पीछे लॉजिक बता क्या है इस सवाल के पीछे इस सवाल के पीछे लॉजिक ये है कि वो जो ऑप्शंस देते हैं ना उन ऑप्शन में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो मैसेज का डिफरेंस है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और आपको कंफ्यूज कर देते कि यार ये क्या हो गया क्या मैसेज का रोल है तो हम कहते हैं कि यार मैसेज का रोल कैसे हो सकता है आप जरा देखो तो सही पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स किसके बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स किसके बराबर है क्यू वी बी साइन थी मैसेज का तो कोई रोल ही नहीं है तो जब मैसेज का कोई रोल नहीं है जब मैसेज का कोई रोल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इट डजेंट मैटर कि वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उन पे लगने वाली जो फोर्सेस हैं, उनकी जो रेशो होगी वो होगी वन रेशो वन उनकी फोर्सेस इक्वल होंगी फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं आएगा सेम फोर्स ये ना अब्दुल अजीज ने कहा खदीजा ने बताया और अ लिटल हैप्पीनेस ने भी बताया और मुबर्रा ने भी बताया ये सबको बताएं ज्यादा बताएं और मुबर्रा ने कहा इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में बेस्ट वेरी गुड शाबाश ये बात तो हम ये कहते हैं इक्वल फोर्स होगी हाँ डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उसकी वो एक अलग कहानी है लेकिन फोर्सेस इक्वल होंगी अब हम जरा इस फोर्स की नेचर को स्टडी करते हैं ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस यहां पे लग रही होगी ऑन मूविंग चार्ज इसके बारे में ना एक बात याद रखिएगा ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ये पार्टिकल को बेंड करती है आप पार्टिकल लेकर आए मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर होगा साथ ही बेंड हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन ठीक है अब बेंडिंग की पीक क्या बेंडिंग की पीक है उसका इतना बेंड होना कि वो सर्कल में चला जाए ठीक है तो हमारे पास इफ थीटा इज 90 डिग्री तो जो पाथ होगा वो बन जाएगा सर्कल अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो पाथ क्या बनेगा सर्कल पहली बार क्यों क्योंकि अब मैक्सिमम फोर्स लग रही है अच्छा इफ थीटा इज जीरो डिग्री तो पाथ स्ट्रेट लाइन क्योंकि देर इज नो फोर्स वेन देर इज नो फोर्स देर विल बी नो डिफ्लेक्शन अच्छा और तीसरी बात फ थीटा इज बिट्वीन जीरो एंड नाइन्टी डिग्री तो पाथ कैसा होगा तो हम कहते हैं पाथ होगा पाथ होगा स्प्रिंग लाइक -like, ऐसे 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 आगे भी जा रहा है बैंड भी हो रहा है आगे भी जा रहा है बैंड भी हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बात लिखी है ना यहाँ पर मैंने ये इस स्लाइड में मौजूद सबसे कीमती बात ये जो हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं ना बेटा याद रखना एंट्री टेस्ट ना वर्ड्स की गेम है आपको टर्म्स के अंदर वर्ड्स डाले जाते हैं वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चार्ज इज प्रोजेक्टेड अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जब उसने कहा ना ये जो आपके पास फार्मूला था ना एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इसमें क्या है इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो पार्टिकल बता रहा है आपने क्या ध्यान में रखना है कि क्या वो चार्ज है भी या नहीं मतलब अगर वो न्यूट्रॉन है तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी अगर वो न्यूट्रॉन है तो उस पर अच्छा अगर वो स्टेशनरी है उसे प्लेस्ड तो इसका मतलब है इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रही होगी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है ये बड़ा क्लियर अब ये जो टर्म है ना थीटा की इसमें आपने देखना है कि उसने क्या कहा है उसने कहा है अक्रॉस या उसने कहा है लोंग जब वो कहते हैं ना अक्रॉस तो अक्रॉस का मतलब हो गया थीटा इज 90 डिग्री अब फोर्स कितनी होगी अब फोर्स बराबर होगी क्यू वी बी के और ये क्या है ये मैक्सिमम फोर्स है और इसका रिजल्ट क्या है इसका रिजल्ट है मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ जब वो कहते हैं ना अलोंग Along में थीटा क्या है थीटा है जीरो डिग्री और अब फोर्स कितनी होगी फोर्स होगी जीरो और अब इसका रिजल्ट क्या है इसमें मूवमेंट होगी स्ट्रेट पाथ और इसके दरमियान क्या होगा इसके दरमियान वो हेलिकल मूवमेंट होगी अब हम लोग जब इस बात को पढ़ रहे हैं जब हम लोग इस बात को देख रहे हैं तो हम इस बात से रिलेटेड आगे जाकर एक एमसीक्यू आएगा अभी और वो एम आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ड्स के साथ किस तरह खेला जाता है वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है अब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स का बिहेवियर था ना कि हम कहते हैं कि फोर्स क्यू वी बी के बराबर है एक चार्ज पार्टिकल है उसको आपने प्लेस किया मैग्नेट सॉरी प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड में तो उसने ऊपर जो फोर्स लगी वो लगी क्यू वी बी अगर आप उसको प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यू ई -E. और मैं इसके बारे में कहता हूं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को परपेंडिकुलरली अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर का जिसमें हम चार्जेस को इस्तेमाल करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को उनको इस रिएक्शंस uh, में न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलरली और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है ई e बाय का ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और पूछा जाता है कि वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की हम सोचते रहते हैं यार इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है कौन सा फार्मूला लगेगा कोई फार्मूला है ही नहीं सिंपल है जी सिलेक्टर का फॉर्मूला ई बाई बी सिंपल फॉर्मूला तो ये आपको याद रखना है और हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि जनाब ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला एक तो ना इम्पॉर्टेंट है फिर आपको जब आपके दिमाग में होता है ना तो आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता है और जब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है ना आप बिल्कुल क्लियर होते हो तो आपका काम बहुत 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 आसान रहता है अच्छा अब हम लोग अगली बात करते हैं अगली बात हमारी ये है कि इस सारी डिस्कशन में जब आपने चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जब चार्ज पार्टिकल को लेकर चल रहे हैं तो यहां पे एक सप्लीमेंट्री डिस्कशन आ जाती है चार्ज टू मैस रेशो की चार्ज टू मैस ऑफ चार्ज पार्टिकल मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं कह रहा मैं चार्ज पार्टिकल कह रहा हूं कोई भी चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मैथ रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मैं इसको क्यू बाई एम अगर लिखूं तो इसकी का फॉर्मूला है टू वी बाय बी स्क्वेर आर स्क्वेर इसी का एक फॉर्मूला क्यू बायम वी ओवर बी आर है। इसमें से मुराद पोटेंशियल है और इसमें v से मुराद स्पीड है तो ये याद रखिएगा कि स्पीड जो है वो मैटर कर रही है और इस सारी कहानी में हम लोगों ने जब तक कही बात उसमें हमने ये कहा है कि फोर्स लग रही है डिफ्लेक्टिंग फोर्स है लेकिन उसमें हमने कहीं ये तस्करा नहीं किया कि स्पीड चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करती है वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन उसकी वजह से एक्सेलरेशन डेवलप होता है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होता ये बात आपने याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होता अच्छा अब हम लोग अगली बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि हमें इस बात को याद रखना था कि ये सारी कहानी अब इस तरह चल रही है और इसके अंदर ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया इस एक्सप्रेशन में और भी चीजें डेवलप हो जाती हैं हम इसको कहते हैं ये क्यू बाई एम है अब चूंकि वो सर्कुलर पाथ पे है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बी आर और मैं इसको कहता हूं कि ये टू पाई एफ आर ओवर बी आर कैंसिलेशन तो अब देखें एक नया रिलेशन डेवेलप हो रहा है एफ किसके बराबर हो रहा है एफ बराबर हो गया क्यू बी ओवर टू पाई एम वेन एवर अचार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी दैट वुड बी क्यू बी ओवर टू पाई एम ये भी एक अहम बात थी जो आपको याद रखनी है ये जब आप ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं ना इस लेक्चर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं जब आप सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे ना तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार जो उसके सब टॉपिक्स थे और ये जो लेक्चर है इनमें तो बड़ा फर्क आ रहा है लेकिन आप जब उन सब टॉपिक्स को क्लियर करने की बात करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ तो आपको अंदाजा होगा कि यार वाकई ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ये बात भी इंपॉर्टेंट है इसके बगैर भी गुजारा नहीं होना था तो ये याद रखिएगा कि सब टॉपिक काफ़ी नहीं होते रेलिवेंट टॉपिक्स जरूरी होते हैं रेलिवेंट टॉपिक्स और एग्जैक्टली मेंशन टॉपिक्स को जब इकट्ठा करके तैयारी करते हो तो दो असर तैयारी होती है वहाँ पर अब इस सारी कहानी के बाद इस सारी बात के बाद हम आगे आते हैं और अब हम जब आगे आते हैं तो अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक अहम तस्किरा आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट को उनके इफेक्ट्स को उनकी फोर्सेस को मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस किसके साथ कैस क्या रिलेशन है ये सारी चीज़ें करते 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 अब हम पहुँचे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पर पहुँचते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सर्फेस है और इस सर्फेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास कर रही है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें फाइव बी डॉट ए अब ए क्या चीज है ए है वेक्टर एरिया और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज वेक्टर एरिया तो हम कहते हैं वेक्टर एरिया एरिया विद इट्स डायरेक्शन अलोंग नॉर्मल अब हमारे पास डायरेक्शन है और डायरेक्शन है अलोंग नॉर्मल और जब हम ये कहते हैं कि डायरेक्शन अलोंग अलॉन्ग नॉर्मल है तो फिर इसका मतलब है ये बन गई इसकी डायरेक्शन अब रूल याद रखिएगा कि जब भी आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो एरिया मस्ट बी वेक्टर एरिया एरिया मस्ट बी वेक्टर एरिया आप नॉर्मल एरिया के साथ नहीं बात कर रहे आप वेक्टर एरिया के साथ बात कर रहे हो और जब मैं इसको लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं ये फॉर्मूला बन गया बी ए कॉस्ट थीटा अब आपने से जिस जिसको वो टेबल याद है साइन कॉस्ट tangent वाला उस उसके लिए तो काम हो गया आसान उसकी वजह ये कि उसे पता है कि जीरो पर cos जीरो है वन और अगर cos जीरो वन है तो फ्लक्स है बी ए और अगर फ्लक्स है बी ए तो इट वुड बी मैक्सिमम और अगर हम ये कहते हैं कि जनाब थीटा अगर है नाइंटी डिग्री तो कॉज 90 हो गया जीरो और जब हो गया जीरो तो फ्लक्स हो गया जीरो तो इस बात को आपने याद रखना है अब इसमें जब मैं इसकी फ्लक्स की यूनिट की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि फ्लक्स की यूनिट हमारे पास बराबर आ रही है टेस्ला मीटर स्क्वायर के और टेस्ला मीटर स्क्वायर इज जर्नली नोन एज वेबर हम इसको वेबर कहते हैं और जब हम इसको वेबर कहते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो वेबर है आपके पास ये शाबाश आंसर आ रहे हैं आप लोगों के भाई वेरी गुड शाबाश जब हम इसको वेबर कहते हैं तो इस वेबर को जरा दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये वेबर मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी रिलेट करता है और जब मैं आगे आता हूं तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लिया ना मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और टर्म आती है आपके पास जिसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को सुन के आपके दिमाग में क्या टर्म आती है होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जैसे हम डेंसिटी की बात करते हैं ना तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम चीज को किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं लेंथ के साथ या एरिया के साथ या वॉल्यूम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ऐसे ही है और इसका मतलब यह है कि दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया और जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को स्टडी करते हो तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर आ गई ये बराबर आ गई फाइव ओवर ए के और ये बराबर आ गई बी ए ओवर ए के और ये तो रह गया बी इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली बी ही की एक फॉर्मेशन है और अगर मैं इसकी यूनिट्स को इस डेफिनेशन से निकालूं तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो इसकी यूनिट बनती है वो बनती है वेबर पर मीटर स्क्वेर और यहां पर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ही है अब इस सारे इंफॉर्मेशन को जब मैं आपके लिए इकट्ठा करता हूं तो मैं आपको दो बातें बताने लगाऊं एक बात ये कि जब आपने कहना है मैग्नेटिक फील्ड जब आपने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपने कहना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब आपने कहना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जब आपने कहना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आसान भाषा में बात यह है कि ये एक ही बंदे के पांच मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं। ये एक ही बंदे के पांच मुख्तलिफ फेसबुक अकाउंट्स हैं। कभी वो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से लॉग इन होता है कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के नाम से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से और जब हम यूनिट की बात करते हैं तो जब मैं कहता हूं टेस्ला जब मैं कहता हूं ट्रेन रेस पर फोर गॉज जब मैं कहता हूं वेबर पर मीटर स्क्वायर और जब मैं कहता हूं न्यूटन पर मीटर पर एंपेयर ये सब भी सेम होते हैं अब जब मैं कहता हूं कि जब ये सब ये सब के सब ये सब के सब एक जैसे हैं तो फिर वैल्यू किसी भी जगह पर आए किसी भी नाम से आए इट डर आज अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जनाब मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप हो गई तो उसके क्या इफेक्ट्स थे मुख्तु जगह पे उसने कैसे बिहेव किया उसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है उसके मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस करंट के साथ क्या रिलेशन है उसके बाद करते 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 अब हम इस जगह तक पहुंचे और जब हम इस जगह तक पहुंच गए हैं तो अब हम जरा एक काम करते हैं जरा जल्दी से इस सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखते हैं हम जब सारी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ सवाल आते मतलब एक सरप्राइज है सरप्राइज कैट के लिए स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज मिला क्या होता है कैट के स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज या गिफ्ट या हैप्पीनेस पास पेपर के सॉल्यूशंस होते हैं अब पास पेपर्स मुख्तफ जगह पर हैं बहुत सारे बहुत लंबी फहरिस्त है सिलेबस चेंज होता है रहा मुख्तु वक्तों में तो हम लोगों ने कुछ एज ए सैम्पल कुछ एम सी क्यू शामिल किए और मैं ये चाहता हूँ कि अब इस हिस्से में मेरा काम खत्म आपका काम शुरू अब आप में से हर बंदा हर बंदा जो है बिसमिला पड़े और सवाल पढ़े और सॉल्व करना शुरू करें और द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एंटर्स एट द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शहीद ुलफार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में 2022 का इस सवाल है और इसके अंदर उसने हमसे पूछा है कि फोर्स एग्जेटेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल अच्छा सवाल को अटेम्प्ट करने का मैथड क्या है जैसे ही सिचुएशन आपको नजर आए फौरी तौर पर आप ये देखें कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो फार्मूला लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा अब ये देखें कि उसने कौन सा पोर्शन पूछा है इसके अंदर उसने कहा चार्ज पार्टिकल है एंटर हो रहा है यानी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है उसने यहां पे बात पूछी उसने कहा मैक्सिमम कब होगा अब हमारी बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन है कि मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि ये वैल्यू वन हो और ये वैल्यू वन होने के लिए जरूरी है कि साइन इनवर्स वन जो है वो नाइन्टी डिग्री होता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप अच्छा आप लोगों ने ना ऑप्शन बतानी है ऑप्शन बतानी है ए बी सी लिखना है आपने ठीक है शाबाश मेरे डॉक्टर जल्दी जल्दी जल्द जल्द कर लें और उसके बाद जो है ना आ, नमाज पढ़नी है हम लोगों ने ठीक है क्योंकि नमाज के बगैर तो कुछ भी मुकम्मल नहीं है तो हम लोग कहते हैं ऑप्शन बी शाबाश क्विकली क्विकली जल्दी 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 बिल्कुल देर नहीं करनी आप लोगों ने और आज के अच्छा बेटा ये ना आमना औरंगजेब ने ना एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि 270 भी तो मैक्सिमम होगा ना सर याद रखिएगा वेक्टर्स के दरमियान एंगल कम से कम एंगल जीरो और ज्यादा से ज्यादा वन एटी होता है हम वेक्टर्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है ना उसको कंसीडर करते हैं रूल याद रखिएगा आमना औरंगजेब बेटा बल्कि यूं कहें डॉक्टर आमना औरंगजेब बेटा कि हम लोग इस बात को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि वेक्टर्स के, के दरमियान शॉर्टेस्ट एंगल को कंसीडर किया जाएगा तो वो एंगल जीरो से 180 के दरमियान वेरी करता है 270 सेवेंटी उसमें नहीं आता अगला सवाल देखते हैं और ये यूएचएस का सवाल है और फाइंड दी मैग्नेटिक फोर्स मैंने चार्ज थ्री पॉइंट फाइव कोलम विथ फ्लक्स डेंसिटी फोर यूनिट्स इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकंड अच्छा सवाल के अंदर उसने क्या आप लगाइए उसने ना फ्लक्स डेंसिटी लिख के ना उसकी यूनिट नहीं बताई उसने यूनिट इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप इसे ना जज कर देंगे हम कहते हैं भाई ये चक्कर किसी और को देना अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें पता है फ्लक्स डेंसिटी बी होती है हमें पता है चार्ज गिवन है हमें पता है स्पीड मौजूद है हमें उसने कहा है मैग्नेटिक फोर्स बता दे अब अब हम कहते हैं, हम कहते कहते हैं हैं तो कि अब इसके अंदर Q, v, B का फाइनलीटिकलिंग लगाए क्यू कितना है जी? V कितना है 2, और B कितना है जी कितना कितना और अच्छा बड़े सिंपल है इसको रिमूव करें यहां पर लगाए टेन काम बहुत सिंपल है कैलकुलेशन अभी भी मतलब बड़ी आसान है आप इसको कैंसिल आउट करो ये सेवन हो जाएगा ये टू हो जाएगा मतलब तो मैंने फाइव से किया ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो अब आपके पास खाली सेवन फोर रह गया और ये बन गया ट्वेंटी एट ठीक है तो जरा इसका बताइएगा जल्दी से अन नोन है, कहते हैं ट्वेंटी एट गुलाम साहब कहते हैं बी बी अच्छा और बी 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 शाबाश जल्दी से जल्दी से जल्दी से सिंधी बच्चे भी आए हुए मुझे लगता है ऐसे और हमारे दिल के बहुत करीब हैं हम चाहते हैं कि हम हमें ना पिछले साल के एम डी कैट के रिजल्ट के बाद एक बड़ा हौसला हो गया हम जिस मर्जी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं वहां पे हमें हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हमें मैं अक्सर ही कहता हूं कि भाई अपनी तो जिंदगी का मकसद ये है कि जिस मर्जी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाओ वहां के कैफे पे एटलीस्ट चाय तो फ्री पियेंगे ना हम क्योंकि वहां पर हमारा कोई ना कोई स्टूडेंट मौजूद होगा जैसे अगले साल आप लोग होंगे इन शाह तू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर वेबर मीटर वेबर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वेयर अब यहां पे जो कंफ्यूजन आ सकती थी वो यहां पर और यहां पर आ सकती थी क्योंकि वेबर मीटर हम कोई यूनिट नहीं पढ़ते तो यहां पर नहीं इशू था यहां पर भी इशू नहीं था इशू यहां पर आ सक, आता था या यहां पे हम घबरा रहे थे याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है फ्लक्स क्या होता है बी ए होता है है बी क्या है? टेस्ला ए क्या है मीटर स्क्वेर और ये किसके बराबर है ये है वेबर के तो जरा जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है अननोन भाई आप तो टेंशन ले गए के पंजाबी भी हैं कराची वाले भी हैं सर आप सिंध से भाई मैं पाकिस्तान से हूँ और आई एम आल्सो सिंधी सर और इस्लामाबाद वाले किधर हैं आज इस्लामाबाद वाले मुझे शुरू में, में नज़र आए थे कुछ बच्चों ने मुझे बताया था इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद वाले किधर हैं अब इस्लाम इस्लामाबाद वाले भी जल्दी से बताएं ना जरा जल्दी से जल्दी से अब्बास बलोच फ्रॉम कोलू वाह जी वाह आई एम फ्रॉम पिशावर वेरी गुड मतलब पिशावर से पिशावरी कहवा पियेंगे कोलू जाकर सजी खाएंगे बलोची और सिंध से जो है अजरक और सिंधी टोपी और खजूरें बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पर तो अपनी तो मौज मजे आने वाले भाई सारे बच्चों ने मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाना है फिर हमने टूर दी पाकिस्तान करना है मैंने सर अली इम्तियाज़ ने सर अम्मा ने सर अली महराज साहब ने सर तनवीर साहब ने मिस मरियम ने हमने करना है टूर दी पाकिस्तान सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है अपने बच्चों से मिलना है और फ्री की चाय पीनी है तो ये जी गुजरात से भी है अरे वाह जी वाह इस्लामाबाद गुजरात इस्लामाबाद हाँ मैं कहते ना इस्लामाबाद वाले बच्चे मुझे नज़र आए थे शुरू में सैफुल्ला सफील्ला खान पेशावर से भैया सफील्ला बड़ा ज़बरदस्त सोनिया कह रहे हैं कि सर आप सिंधी सिंधी ही हो बेटा मैं पाकिस्तानी हूँ बेटा और क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं सिंधी भी हूँ बलूची भी हूँ पंजाबी मैं सब हूँ ठीक है तो अच्छा जी मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अब इस सवाल के अंदर एक टेक्निकल बात है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी एंड स्केलर एरिया डॉट प्रोडक्ट कभी स्केलर का नहीं होता डॉट प्रोडक्ट तो होता ही वेक्टर्स का है मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट स्केलर एरिया नहीं जी मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वेक्टर एरिया नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया तो इसका मतलब क्या हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट तो होता ही अमंग दी वेक्टर्स है और क्योंकि ये अमंग दी वेक्टर्स होता है तो इसका मतलब ये हो गया तो अब्बास हनीफ में इंशाल्लाह ताला जरूर आऊंगा अब्बास ने मुझे कोलू बुला लिया भाई और जो है ना हमारे एक स्टूडेंट है सद्दाम बुक्ती अभी इसको बीएमसी में एडमिशन हुआ है वो डेरा से तो भाई मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसे एनर्जी मिलती है क्योंकि एनर्जी इस तरह मिलती है कि आपने ये परेशान नहीं होना कि आपके खुदा न खासा हम है, होता है ना बाजों का दिमाग में आता कि यार रिसोर्स कम है यार कैसे होगा कैसे होगा कोई रिसोर्स कम नहीं है अल्लाह ताला है ना अल्लाह ताला ने हमें आपके लिए बनाया आपका आप स्कॉलरशिप विन करें वन एटी प्लस में अपने जो स्कोर प्रिडिक्टर को रखें अभी एक दरम्या में एक बच्चा पूछा था सर स्कोर प्रिडिक्टर नहीं समझ आया स्कोर प्रिडिक्टर ये होता है बेटा कि आपने ये सारा टॉपिक सुना आपको कोई बात नहीं ना सुनी समझ आई आप ये यूट्यूब पे मौजूद है आप दोबारा सुनो दोबारा सुनो आप उस पॉइंट्स को नोट करो उसके बाद आप आप जाके टेस्ट टेस्ट करो जब करोगे ना तो स्कोर पे आपको बताएगा कि आपकी वीकनेस क्या है आपकी स्ट्रेंथ क्या है अच्छा अच्छा स्टूडेंट कौन होता है अच्छा स्टूडेंट ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और वीकनेस को अपग्रेड करते 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 स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है होता क्या है एक आम स्टूडेंट ये करता है कि उसे जो चीज पसंद है ना वो उसे तो बार बार पढ़ता है जो चीज उसे नहीं पसंद वो उसे नहीं पढ़ता यहीं पे प्रॉब्लम आती है एक अच्छा स्टूडेंट जो चीज उसे पसंद है उसे पढ़ता है और जो चीज उसे नहीं पसंद या जहां पे वो वीक है उसको इतनी जोर से पढ़ता है इतनी मेहनत से पढ़ता है इतनी तवज्जो से पढ़ता है कि वो भी उसकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वाइट को स्टेटस को पेरेंट्स को मुबारकबादें आप अपने पेरेंट्स का तारुक बन जाते हैं आपके बारे में लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब का बेटा है अच्छा आपकी बेटी वो किंग एडवन में पढ़ती है अच्छा अच्छा आपका बेटा जाता है आपकी बी एम सी में है आपका बेटा अच्छा वो डाउ में एडमिशन हो गया है अच्छा 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 में मेडिकल कॉलेज में इस तरह की जो बातें हैं ना ये बातें ये बातें कब होती है जब आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पर नजर रखते हो अगला सवाल देखते हैं जी ये भी पास पेपर से डायमीटर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब डायमेंशन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फोर्स या वर्क डन वर्क डन तो नहीं है मैग्नेटिक फोर्स एफ होती है मैग्नेटिक फील्ड बी है ये एक जैसे नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव है और वो बी ए होता है और वो भी नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइव ओवर ए होता है और वो बी ओवर बी ए ओवर ए होता है और कैंसिलेशन के बाद वो बी बचता है इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है शाबाश अनिल कुमार अनिल कुमार ने बिल्कुल सही जवाब दिया फ्लक्स डेंसिटी और ऊपर नीचे जिस जिस ने सही जवाब दिया शाबाश वेरी गुड देखे सोना सोयना ये क्या हो गया भाई सोयना बेटा सही नहीं होता अब देखे अभी हम बढ़कर आए अब हम उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं और हमें अंदाजा हो रहा है कि चीजें हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे थे और सही डायरेक्शन में पढ़ने की वजह से काम हमारा सही तरह आगे से आगे चलता जा रहा है न्यूट्रॉन एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड v, इट्स एक्सेलरेशन इज एक्सिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है ये ईटा का सवाल है ठीक है पास पेपर से हम लोगों ने चूज किया एक्सेलरेशन रिलेट करता है फोर्स के साथ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल के ऊपर जो लगती है तो किस वजह से होती है क्यू वी बी साइंथीटा उसने कहा परपेंडिकुलरली है यानी थीटा वाला फैक्टर तो हो गया अब उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ यानी बी भी है उसने कहा है उसकी वेलोसिटी वी थी इसका मतलब है वी बी नॉन जीरो है क्यू के बारे में देखें उसने कहा न्यूट्रॉन एंटर्स मैंने कहा था ना पार्टिकल पर नजर रखनी है पार्टिकल चार्ज है भी या नहीं अब न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल नहीं है अब चूंकि न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है तो इसलिए न्यूट्रॉन पर फोर्स नहीं लगेगी तो जब न्यूट्रॉन पर लगने वाली फोर्स जीरो हो गई तो नतीजातन एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया तो ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन हो गई कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो गई वेरी गुड आमना औरंगजेब के न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज अनिल कुमार वेरी गुड बेटा और पैशनेट टीचर अरे वाह यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं वहाँ भाई वाह क्या बात है सर निश्तर मेडिकल कॉलेज मेरा ड्रीम है अब्बास हनीफ और जिस तरह अब्बास आपका ड्रीम है निश्तर मेडिकल कॉलेज मेरी दुआ है कि आप निष्तन मेडिकल कॉलेज में पहुँचें और मेरी पूरी नियर नीयरपीयर टीम की पूरे ब्रिज बैच की दुआ है कि आप निस्तर मेडिकल कॉलेज में पहुँचें और आप निस्तर मेडिकल कॉलेज का वो जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने सेल्फी लेकर हमें भेजें कि सर आपका बानीफ डॉक्टर अब्बास अब्बासनीफ बनने के लिए निश्तर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका है और हम कहें वाह भाई वाह अगले सवाल सवाल पर पर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर वेबर मीटर ये ईटा में भी मौजूद था और मौजूद है और इसमें हमने कहा कि इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन वेबर आपके पास मौजूद है फाइंड द फोर्स ड्यू टू करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ टू सेंटीमीटर फ्लक्स डेंसिटी ट्वेल्व टेस्ला करंट थ्रू द एलिमेंट विल बी फाइव एम फोर्स पूछ रहा है लेंथ बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और करंट uh, उसने बताया आपको अच्छा अब आप ये देखो फोर्स किसके बराबर होगी फोर्स बराबर होगी आई एल बी के अब चूंकि जब वो एंगल्स की बात नहीं ना करता तो इसका मतलब यह कि अब आपने मैक्सिमम केस को डिस्कस कर लेना ड्यू टू करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ दिस करंट थ्रू दि एलिमेंट विल बी दिस आई आई है आपके पास फाइव लेंथ कितनी है टू सेंटीमीटर है और ये कितने ट्वेल्व अब फाइव को टू से मल्टीप्लाई करें तो टेन टेन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें तो वन ट्वेंटी इन टू टेन रेस पर माइनस टू तो सिंपल कर दें वन पॉइंट टू तो ऑप्शन बी

एम सी का एक सवाल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बी विद यू देन मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज ई कर लेते हैं उसकी विलासिटी उसने यू बता दी उसने कहा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी है उसने कहा फोर्स बता दे फोर्स किसके बराबर होती है फोर्स बराबर होती है क्यू वी बी साइन थी यहाँ पे उसने यूज किए एक टेक्निक और टेक्निक के इस्तेमाल की उसने कहा अलोंग दी लाइंस ऑफ फोर्स अलोंग दी लाइन ऑफ फोर्स साथ-साथ जैसे-जैसे लाइन ऑफ फोर्स जा रही है जैसे-जैसे फीड लाइंस है वैसे-वैसे इलेक्ट्रॉन वैसे भी धीरे-धीरे उसके साथ चल रहा है तो इसका मतलब है एंगल कितना हो गया एंगल हो गया जीरो डिग्री तो sin 0 कितना हो गया sin 0 हो गया 0 तो फोर्स कितनी हो गई ऑप्शन डी फोर्स कितनी हो गई ऑप्शन डी शाबाश अरे वाह रॉबर्ट बस ये खत्म होने वाला है जल्दी से फिर हम नमाज पढ़ते और बस अच्छा ये ना सारे लोग जवाब दे रहे हैं और ये हमारे जो अननोन भाई है ना ये मोए मोए कर रहे हैं यार खुदा का खौफ करो यार और अब हमारे पास एक सवाल है जी पीएमसी का और वो ये कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द कंडक्टर दिस अगेन उसने वही ट्रिक इस्तेमाल की और कि उसने फ्लक्स डेंसिटी कह दिया बेसिकली बी की बात है आई की बात है और लेंथ की है फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने आई एल बी आई की वैल्यू आपके पास टू पॉइंट सेवन फाइव ये सवाल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है सिक्सटी सेंटीमीटर मैं इसको जीरो पॉइंट सिक्स मीटर लिख देता हूं और बी की वैल्यू है नाइन ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन में एक काम करते हैं इस पॉइंट को रिमूव करते हैं इसके लगा लगाते हैं हंड्रेड इस पॉइंट को रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे लगाते हैं टेन ठीक है चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखें फ्रैक्शंस को सबसे पहले ख़त्म करें मतलब ना ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको ख़त्म करें अच्छा उसके बाद देखें अगर मैं इसको करूँ और यहाँ पर लिख दूँ टू यानी फाइव के साथ कर रहा हूँ तो मैं जब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ट्वेंटी सेवन मतलब फाइव और 55 बन गया ये अच्छा अब मैं इस टू को करूँगा इसके साथ तो ये हो गया थ्री अब 55 को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे 55 को जब आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा थ्री को फाइव से करेंगे फिफ्टीन थ्री को फाइव से करेंगे फिफ्टीन तो वन और अब उसे फर्दर मैंने नाइन के साथ करना था तो ये नाइन को जब फाइव के साथ करूंगा तो फोर्टी फाइव नाइन को सिक्स के साथ करूंगा तो फिफ्टी फोर और फोर फिफ्टी एट नाइन को वन के साथ करूंगा तो नाइन और वो फाइव फोर्टीन तो ये बन गया आपके पास वन फोर एट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड हंड्रेड भी तो था ना अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फोर्टीन पॉइंट एट फाइव यानी ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन अब देखें इस लेक्चर में आपने बहुत सारी बातों के साथ साथ और क्या सीखा आपने ये सीखा कि जब इस तरह की फ्रैक्शन की वैल्यूज़ आ जाए तो उनको सॉल्व करना है तो क्या करना है आपने सबसे पहले उन पॉइंट्स को निकालें रकम को सीधा करें उन वैल्यूज़ को स्ट्रेट करें उनको मल्टीप्लाई करें उसके बाद वो पॉइंट दोबारा एडजस्ट कर दें और आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा उसके बाद कहते हैं चार्ज ऑफ माइक्रो कूलम इज मूविंग एंटी टू दी टू दी फोर्स, देन फोर्स एक्टिंग और हम ये कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन वन एटी डिग्री तो साइन वन एटी तो जीरो हो गया तो बात यहां पर खत्म हो गई तो हम ये कहते हैं कि ऑप्शन ए इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन थी और फिर हमारे पास एक सवाल लॉरेंस फोर्स के वाले से वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है और जब ये दोनों फील्ड्स मौजूद होती है तो जो फोर्स है वो लॉरेंस फोर्स हमारे पास फाइंड द लॉरेंस फोर्स ऑफ द चार्ज दिस हैविंग फील्ड फील्ड दिस मैग्नेटिक है अब देखिए लॉरेंस फोर्स बरह रास्त कहीं सिलेबस में नहीं थी लेकिन हमने उसको रेलिवेंट टॉपिक के तौर पर यह जरूर पढ़ा कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो क्या होता है अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्यू ई प्लस मैं इसको वी बी लिख के यहां पे ब्रैकेट कर देता हूं दोनों जगह पे चला गया क्यू की वैल्यू उसने कितनी बताई जी टू पॉइंट फाइव ई की वैल्यू उसने हमें कितनी बताई फाइव वी की वैल्यू उसने हमें कितनी बताई वन पॉइंट फाइव इन टू सेवन पॉइंट टू फाइव अब टू पॉइंट फाइव इन टू फाइव प्लस इस पॉइंट को रिमूव करें ना इसको टेन कर दें इस पॉइंट को रिमूव करें इसको हंड्रेड कर दें तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये टू और ये थ्री बन जाएगा जब ये हंड्रेड यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये ट्वेंटी और वैसे ये सेवन ट्वेंटी फाइव है ये तो ट्वेंटी फाइव से भी हो जाएगा तो मैं इसको उसी के साथ कर देता हूँ फोर और जब मैं इसके साथ इसको करूँगा तो ये वैसे इसको ट्वेंटी के साथ ही कर लें ज़रा आसानी के साथ होगा फाइव के साथ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये ट्वेंटी और ये वन और टू आगे चला गया ट्वेंटी टू फोर और फिर वो आगे फाइव कुछ मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके देख लेते हैं हम लोग कुछ मज़ीद देखते हैं कि अगर मज़दीद कोई इसके अंदर फर्क पड़ता है तो इसके साथ मजीद करें ये फोर हो जाएगा इसके साथ मजीद करें तो ये आपके पास टू और नाइन बनता है अब थ्री को ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई करें जब थ्री को ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास थ्री को नाइन से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी सेवन और थ्री को टू से मल्टीप्लाई करें सिक्स और आपके पास एट्टी सेवन डिवाइडेड बाई फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, एट अभी देखिए टू पॉइंट फाइव इन टू फाइव प्लस एटी सेवन ओवर एट ऑलमोस्ट 11 के करीब करीब आ रहा है क्योंकि अगर एट एट होता ना तो ये होता 11. तो ये ऑलमोस्ट एलेवन के करीब आ रहे हैं ना तो हम किसके लिख देते हैं टेन पॉइंट नाइन तो मैं इसको लिख सकता हूं टू पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट नाइन अब 2.5 को जब मैं ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करता हूं अगेन इसको रिमूव करें टू इसको रिमूव करें फाइव अब आपने क्या करना है आपने वन फिफ्टी नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई करें जब आप वन फिफ्टी नाइन को फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइव को नाइन से मल्टीप्लाई करें फोर्टी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी फाइव और वो जो फोर है वो नाइन ट्वेंटी नाइन और सेवन नाइनटी फाइव अब इसका मतलब ये हो गया ये आपके पास बन गया सेवन फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी अब यहां पर हमारे पास ये बात आती है कि जी अब इसको जब आपने फर्दर कैलकुलेट करना है तो क्या वैल्यूज बन रही होंगी अब यहां पे हमारे पास ना बड़ी स्टेट ऑफ डेरिवेशन है वो ये कि ट्वेंटी को अगर आप एट इसको सेवन नाइनटी फाइव के बजाय एट हंड्रेड कंसिडर करें और इसको ट्वेंटी कैंसिलेशन फोर्टी इसका मतलब ये कि जो फोर्टी के करीब आंसर होगा वही बेस्ट आंसर होगा तो ऑप्शन ए डेफिनेटली यहाँ पर बेस्ट अब ये देखें ये तवील एम सी क्यू था और ये तवील एम सी क्यू समाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लेकिन ऐसे एम सी क्यू की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है और जब हम करते हैं तो ही हम सीखते हैं और जब हम सीखते हैं तो ही हमारे लिए चीज़ें आसान होती हैं और वेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरल देन इट विल भी अब वो पैरल आ रहा है तो मूव स्ट्रेट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी क्यों क्योंकि पैरल की बात हो रही है थीटा की बात हो रही है जीरो डिग्री और जब जीरो डिग्री होती है तो फोर्स हो जाती है जीरो और फिर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेन विलॉसिटी दिस फ्लक्स डेंसिटी दिस अभी देखें सवाल अगर आपने ये एक्सप्रेशन ना पढ़ा होता तो हम सोचते कि कैसे कैलकुलेट करना है तो अब ये ऐसे कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है वी बी के तो ई e बराबर हो गया वी की वैल्यू कितनी बताई जी उसने और टी की वैल्यू कितनी बताई उसने एट पॉइंट सेवन फाइव अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं एक तरीका इसका आसान यह है कि आप एट पॉइंट सेवन फाइव कंसीडर करें और आप कहें ट्वेल्व इंटू नाइन जब आप ट्वेल्व इंटू नाइन करेंगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा वन जीरो एट अब वन जीरो एट एग्जैक्ट आंसर नहीं है बल्कि वन जीरो एट से स्लाइटली कम होगा तो डेफिनेटली वन जीरो क्योंकि फाइव टेंथ तो कम नहीं है वन फिफ्टी हो नहीं सकता वन सिक्सटी फाइव हो नहीं सकता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है वन जीरो फाइव तो भाई ये थी आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सारी डिस्कशन और जब ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर ली जब ये सारी बात हम लोगों ने कर ली तो इस सारी डिस्कशन में सारी बात करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा फिर देखिएगा कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो पूछिएगा अब आप कहेंगे कि सर कैसे पूछना है तो यही आपको बताना था ऐसे पूछना है कि आपने नियर पियर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करना है आपने फेसबुक पे जाना है आप फेसबुक पे मंसूर मोहम्मद मंसूर फारूकी के नाम से मुझे ढूंढेंगे मैं बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा आप इंस्टा पे आएंगे आप इंस्टा पे मंसूर अंडरस्कोर फारूकी लिखेंगे मैं बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा आप अपनी क्वोरीज वहाँ पर पूछें नियर पियर आपके लिए ये सब कुछ करने को तैयार है कि हम आपको इन क्लासेस के अलावा भी अप्रोच दे रहे हैं कि बेटा जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ से पूछो जहाँ पे इश्यूज़ हैं वहाँ से पूछो क्या आप इन तमाम रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो भी याद रखिएगा वन प्लस का स्कोर प्रिडिक्टर तो कोई चीज़ ही नहीं है आपका स्कॉलरशिप तो कोई मसला ही नहीं है आपका एम डी कैट क्वालिफ़ाई करना तो कोई इशू ही नहीं है और अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला का करम शामिल है हाल रहा तो इन शाह आपका एडमिशन नो एट ऑल तो मिलेंगे इन अब अपने अगले लेक्चर में विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट हाफिज़